BS6 जुपिटर है, कंपनी में लेके गया था भाई अभी, ये 5 दिन कंपनी में खड़ी होके आई है, ठीक है। तो एक बार क्या प्रॉब्लम है वो भैया इनसे बात करेंगे। शुभ नाम आपका? अश्वनी। अच्छा, ये कहाँ से लेके आए हो आप? मैं अभी TVS के सर्विस सेंटर से लेके आया हूँ इसको। अच्छा, क्या प्रॉब्लम बताई उन्होंने? उन्होंने तो टोटल बॉडी का बताया था, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं आ रहा क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं। 5 दिन से मैंने वहाँ पे डाल रखी थी। अच्छा, 5 दिन से वहाँ खड़ी हुई थी? खड़ी हुई थी। अच्छा, उन्होंने दूसरी स्कूटी का कोई पार्ट लगा के चेक किया? कुछ नहीं किया, मेरे को यही कह रहे कि हम तो ये मंगाएंगे, उसके बाद ये डाल के जब चेक करके बताएंगे आपको। कन्फर्म नहीं है, खराब है? हाँ, खराब कन्फर्म नहीं है। तो गाइस, इसमें एक्चुअली फॉल्ट क्या है, मैंने जैसे एक्सेलेरेट कर रहे हैं, गाड़ी 40 से ऊपर भाग नहीं रही है, गति दबी दबी चल रही है। दूसरा, गाड़ी बंद हो रही है बीच में, मिसिंग भी कर रही है। तो एक्चुअली जो भाई के पास आते ना, एक्चुअली मेरे पास अभी कोई BS6, मैंने इसमें क्या क्या चेक किया है, फ्यूल पंप प्रेशर चेक कर लिया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इंजेक्टर या थ्रोटल बॉडी, बाकी एक बार मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस, इसमें जैसे हम एक्सेलेरेट कर रहे हैं ना, 40 जगह एक्सेलेरेट पूरी करी, तो क्या है, घुट सी जाती है, दब जाती है बिल्कुल, मतलब RPM बिल्कुल तोड़ जाती है इंजन में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस, मैं JP नजवड़ दिल्ली से। गाइस, जुपिटर BS6 जो मैंने फॉल्ट दिखाया था आपको, जो अपना फॉल्ट आया था इसमें, ये 40 से ऊपर भाग नहीं रही है, और घुट के जैसे एक्सेलेरेट करके बंद हो जाती है। तो ये गाड़ी ठीक हो चुकी है, फॉल्ट क्या है वो बताऊंगा। तो गाइज, आपने देखा ये जो स्कूटी है, पाँच दिन ये जो ये अपने TVS के शोरूम में खड़े हो गए आई है, कितने दिन? 5 दिन। तो गाइज, इसमें कंपनी ने क्या बताया, इसमें फॉल्ट मेरे को भी वही लग रहा था जो कंपनी वाले बता रहे थे, लेकिन वो फॉल्ट वैसा नहीं निकला इसमें। उसमें कंपनी वाले ने फॉल्ट बताया इसका, पहले फ्यूल पम्प चेक किया, ठीक है, फ्यूल पम्प मैंने भी चेक किया, फिर उसके बाद कंपनी वाले ने बता दिया इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब है। और जो थ्रोटल बॉडी का प्राइस है वो कितने का है? 7,600 रुपये। कितने? 7,600 रुपये गाइज। तो आपको यकीन नहीं होगा, कस्टमर ने, अच्छा उसके बाद भी वो कह रहे थे हम ऑन ऑर्डर मंगाएंगे, डाल के चेक करेंगे, मतलब कन्फर्म दे दिया था उन्होंने। क्या उनके पास ऐसी गाड़ी नहीं है जो स्पेयर में गाड़ी नहीं आती सर्विस पे, हाथ लगा के पार्ट में लगा चेक नहीं कर सकते? तो गाइज, हम तो थोड़ा बहुत तो ऐसे हेल्प लेते हैं कस्टमर की, जो हमारे सर्विस सेंटर पर आते हैं, गाड़ी आ गई इसमें फॉल्ट आ रहा है, तो मेरे जानने वाले कस्टमर थे, मैंने बताया मैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रखी है, अपनी स्कूटी मेरे को डिलीवर कर दी और सामने खड़े हो गए, तो मैंने जो पार्ट है वो एक बार चेक कर लिए, तो उसे कन्फर्म हो गया मेरे को जो ये फॉल्ट इस चीज जो इन पार्टों का नहीं है, ठीक है। मतलब ये माने चलो 5 दिन खड़े होने पर ठीक नहीं हुई, और मेरे यहाँ पर 2 दिन हुए गाड़ी को खड़े हुए, और ये मैंने ठीक कर दी है, ठीक है। तो ऐसा फॉल्ट कभी वर्कशॉप पर आपके पास आता है तो कैसे करोगे ठीक? सबसे पहले तो आपको फ्यूल पंप का प्रेशर होना चाहिए, फ्यूल पंप का जो प्रेशर गेज है वो बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही हो, मिसिंग कर रही हो, एक्सेलेरेट करने पर मिसिंग करती है, घुट सी जाती हो, तो 95% का रहूँ मैं, 100% नहीं, 95% जो होता है फ्यूल पंप का फॉल्ट होता है, जैसा इस स्कूटी में मेरे को लग रहा था, ठीक है। तो मैंने इसमें प्रेशर गेज लगाया, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो इसका फ्यूल पंप का प्रेशर है वो प्रॉपर आया इसका, जितना होना चाहिए, ठीक है, 3.2 होता है इसका जो बार में अगर बात करें तो। उसके बाद मेरे माइंड में आया कि वहाँ इंजेक्टर हो सकता है, क्योंकि इसका ऑयल ही नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा, मेरे को ऐसा इंडिकेशन लग रहा था, ठीक है। तो मैंने उसके बाद इसका इंजेक्टर, एक दोस्त की मैं बता रहा था गाड़ी ली, उसका इंजेक्टर डाल के, हालांकि मैंने इसके पार्ट उसमें डाल के चेक किए, वो गाड़ी परफेक्ट होगी, तो मेरे से ये पता चल गया मेरे को फ्यूल पम्प जो इंजेक्टर है वो खराब, मतलब प्रॉपर ठीक है। फिर रह गया था माइंड में थ्रोटल बॉडी, जैसे कि कंपनी वाले बोल रहे थे, तो मैंने थ्रोटल बॉडी क्या करी, जो उसकी थ्रोटल बॉडी निकाल के इसमें डाल ली, और गाड़ी टेस्ट ड्राइव ली मैंने, तो थोड़ी दूर चली गाड़ी, ज़्यादा 100 मीटर चली हुई, और गाड़ी जैसे पहली जो प्रॉब्लम थी ना, जैसे कि मिसिंग कर रही थी, घुट रही थी और वो बंद हो रही थी, सेम इशू रहा। तो वहाँ तक मेरे को जो फॉल्ट है वो कन्फर्म हो गया, हाँ भाई ये थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट और कुछ है। सो गाइस, उसके बाद मैंने सुखविंदर से बात करी, क्योंकि ऐसा नहीं है हम भी परफेक्ट मैकेनिक है, हम भी अभी सीख रहे हैं जैसे जैसे फॉल्ट आ रहे हैं, लेकिन ट्राई पूरा करते हैं, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं। तो मैंने सुखविंदर से बात करी, उसने बोला भाई ऑक्सीजन सेंसर का भी फॉल्ट आ जाता है, आप ऑक्सीजन सेंसर चेंज करके देखो इसका। तो जो मैंने पहले ही गाड़ी ली थी ना, उसको मैंने क्या किया, कस्टमर को डिलीवर कर दिया था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो मेरे मैं वो आया, मैं अभी एक बार का काम कर, मैंने लड़के से बात करी, मैं इसका जो है ना एयर फिल्टर खोल, एयर फिल्टर, तब तक मैंने जो फॉल्ट लगा रहा था, मैं चल रहा था कंपनी जो उन्होंने बोला था ना, मेरे माइंड में सेम वैसे ही आ गया, और मैंने टेस्ट ड्राइव लगी देखी थी,
तब तक मैंने और फॉल्ट माइंड में आया ही नहीं, अभी और कोई फॉल्ट भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो मैंने इसका खोला फटाफट, एयर फिल्टर खोल के देखा, एयर फिल्टर बिल्कुल क्लीन था। फिर मैंने कही समय भाई साइलेंसर खुलवा लो उसका। साइलेंसर जैसे खुलवाया ना गाइस, मैंने साइलेंसर खुलवाने से पहले मैंने क्या करा, गाड़ी स्टार्ट करके और आगे हाथ लगा लिया, तो वहाँ से जो एयर है ना पूरी पास नहीं हो रही थी, बाईपास नहीं हो रही थी। एयर जो है इनपुट ठीक था, आउटपुट ब्लॉक था इसका। तो इसमें फाइनली जो फॉल्ट निकला वो साइलेंसर का निकला, ठीक है। साइलेंसर दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ये साइलेंसर इसका, ठीक है गाइस। साइलेंसर अभी यहाँ से अगर हम करके मुंह पर हवा मार रहा हूँ, हवा में तो इतनी ज़बरदस्त ब्लॉक है, यहाँ से भाई हवा पास ही नहीं हो रही, जो एयर है अपने जो गैसेज हैं वो पास ही नहीं हो रही, ठीक है गाइस। तो देख लो शोरूम वाले ऐसे काम करते हैं, फॉल्ट कुछ होता है बना देते हैं कुछ है। तो फाइनली मतलब ये माने चलो मेरे पास भाई, मैं गाड़ी का वेट कर रहा था, दो दिन लगे, नहीं तो अगर मैं पहले ही थोड़ा ध्यान देता तो ये गाड़ी जो है वो पहले ठीक हो जाती। तो भाई थोड़े शोरूम वाले से बच्चों, शोरूम वाले मैकेनिक में थोड़ा सजेस्ट करूँगा यार, थोड़ा गाड़ियों को अच्छी तरह चेक करो, आपके पास तो इतनी गाड़ियाँ आती हैं, बेसी मार कंप्लेंट की गाड़ी खड़ी रहती है, उनके पार्ट लगा चेक कर लो यार। सुखविंदर खुद बताता है मेरा दोस्त जो हीरो के शोरूम है, भाई हम जो नई गाड़ी होती है ना उनके पार्ट लगा चेक कर लेते हैं भाई, उसका फिर उसमें डलवा देते हैं क्या वारंटी में, ठीक है। जो अगर वारंटी में स्कूटी है तो, नहीं तो उसको कस्टमर से नया डाल देते हैं पार्ट कस्टमर से पूछ के। तो देखा गाइज अगर शोरूम में काम करवाओगे तो ये काम ये हाल होता है, ठीक है। फॉल्ट कुछ होता है हर फॉल्ट बना देते हैं कुछ है। अब ये कस्टमर मान के चलो अगर पहले का ऐसे करवा लेता, ठीक है जी थोड़ी थोड़ी डाल दो, तो 76 रुपये लग गए थे इसके, वहाँ से पैसे आपको रिटर्न नहीं मिल रहे थे। बाद में फॉल्ट तब भी ठीक नहीं होना था, फॉल्ट था साइलेंसर का। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फाइनली जो फॉल्ट निकलने के बाद इसमें जो साइलेंसर है ये ब्लॉकेज है पूरा इसके अंदर, ये ना ऐसे इसमें से आवाज़ आ रही है, ये देखो, ठीक है ये मैंने पकड़ी हुई है उसके बाद भी। तो इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, मेरे पास साइलेंसर पड़ा है BS4 का, बहुत कम चला हुआ, कल ही मैं वो करवाया था मैंने, दिखाइए भैया साइलेंसर दियो। ये देखो ये परफेक्ट है, कोई आवाज़ नहीं है इसमें, साफ साइलेंसर है। तो मैं क्या करूँगा इसमें, ये पीछे का जो सिस्टम है ना ये सेम है, अब ये जो पाइप है ये उसका लगा के इसमें डालूँगा गाड़ी में। तो कस्टमर से हमने बोल दिया है लाइट ठीक होनी चाहिए उसके लिए, तो जहाँ 7600 लगा रहा था आपका सस्ते में काम हो गया, ठीक है गाइज। सो गाइज कंपनी ने खर्चा बना दिया 7600 प्लस में पता नहीं क्या क्या डालते, 10-15 हज़ार खर्चा बना देते, ठीक है। और हमारे पास ये सस्ते में ठीक होगी, साइलेंसर चेंज कराया और जो फॉल्ट था वो प्रॉपर दूर कर दिया है, ठीक है। बाकी गाड़ी को तो मैं स्टार्ट कर दिखा दूँ, बाकी मैंने ट्रैश ड्राइव ले ली है, मस्त होगी गाड़ी, एक्सीलेटर देने पे गाड़ी पूरी प्रॉपर भाग रही है जैसे, ना कोई मिसिंग ना कुछ फॉल्ट, ठीक है। तो कोई यूज़र्स है जुपिटर वाला तो थोड़ा सोच समझ के जाओ भाई शोरूम में, कोई फॉल्ट होता बाहर भी चेक कराओ, मैं यही सजेस्ट करूँगा किसी अच्छे मैकेनिक के पास, आपके नहीं रहे भाई में, नहीं तो जो ऐसा स्कूटी में तो शोरूम होता ऐसा ही काम होता है, अनट्रेंड मैकेनिक होते हैं प्रॉपर काम ध्यान नहीं देते, वैसे कस्टमर का बिल बनाने से मतलब है, फॉल्ट कुछ होता है बना देते कुछ है, ठीक है गाइज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं रही फॉल्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक पर, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।